इसके बाद अब नेक्स्ट पंक्ति देखिएगा। कल हमने फर्स्ट पंक्ति का अर्थ कराया था, अब नेक्स्ट पंक्ति देखिएगा। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम। यहाँ पर जो है कवि कहना चाहते हैं कि जो है हम उठकर भी चले तो किसके लिए चले, देश के लिए ही चले। कहने का मतलब यह है कि हम जो है जब तक के जिंदा रहे, जीवित रहे, तब तक हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, अपने देश के लिए ही कार्य करते रहे। क्योंकि हमें अपने जो है देश को क्या बनाना है, महान बनाना है। यदि समय पड़े तो गले देश के लिए गले हम, अहम देश के लिए आगे बढ़ते चले और देश में ही को है गले लगाते रहे। मरे देश के लिए मरे हम, और हम जो जितने भी हैं अगर हमारे द्वारा जो भी कार्य करता हो तो हम आपस हमारे द्वारा जो भी कार्य हो किसके लिए हो, सिर्फ देश के लिए हो। और यदि अवसर पड़े तो मौत को भी उसको हमने हंस करके क्या लगा ले, गले लगा रहे हैं, और जो है देश के लिए हमारा जीवन सारा समर्पित हो। इस प्रकार से जो है हमारा एक ही ध्यान, एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हमारा देश महान बने। जब भी हमारे देश को आवश्यकता हो तो हमें हंस करके मौत को भी क्या लगाना चाहिए, गले लगाना चाहिए, और अपने देश के लिए हमको मरना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पंक्ति है, तन में मन में यही ध्यान हो भारत महिमा वान बने। और हमारे मन में भी और हमारे तन में भी यही ध्यान रहना चाहिए कि हमारा देश कैसा बने, महान बने। क्योंकि जो हमारा सारा जीवन ही किस पर निर्भर है, देश पर निर्भर है। देश के लिए ही हमारा जीवन जो है समर्पित है। इसलिए हमारा एक ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मन है और तन है वो सिर्फ देश की उन्नति में ही लगा रहे, उसी में ही हमारा मन समर्पित हो। इस प्रकार से जो है हमारा देश महान बने। अब इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर, सही जोड़ियां। तो आप सही जोड़ियां बना लीजिएगा, काफी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप कविता की लाइनों के संदर्भ प्रसंग से अर्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ में क्या लिखा जाता है और प्रसंग में क्या लिखा जाता है। अब उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, मेरा देश कैसा हो, महान बने। तो आप एक उत्तर करके थर्ड लाइन यहाँ पर लिखिए कि मेरा देश महान बने। एक हिमालय से क्या हो, उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, वज्र बने। वज्र किस पर बने, हम दुश्मन को बने। तो इस प्रकार से जो आप सही जोड़ी लिखेगा। अब उसके बाद में आपको रिक्त स्थान भी दिया हुआ है, रिक्त स्थान में यहाँ से आपको छाट करके मतलब चुन करके लिखना है। जैसे पहले दिया हुआ है, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, विधान मतलब नियम कानून बने। फिर है, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हट करने वाले हो। तन में मन में यही क्या जाएगा, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, अपना ध्यान लिख लीजिएगा। और मरण एक हो और वरण एक हो। तो इस प्रकार से जो है आपका रिक्त स्थान भी हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर, अति लघु त्रिया। पहले प्रश्न, अति लघु त्रिया मतलब छोटे रूप में लिखना। देशवासियों का एक केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए, मतलब हमारे देशवासियों का एक ध्येय क्या होना चाहिए। तो एक ध्येय क्या होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। तो आप लिख सकते हो कि देशवासियों का केवल एक ही ध्येय हो और वो है मेरा देश महान बने, यह ध्येय होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देशवासियों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा देश कैसा बने, महिमावान बने। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देशवासियों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा देश महिमावान बने। फिर उसके बाद में कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए, कवि के अनुसार जीवन एक समान होना चाहिए। कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुश्मन के सामने हमें कैसे बन जाना चाहिए। दुश्मन के सामने हमें वज्र के समान बन जाना चाहिए। अब उसके बाद में आता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पे बोला है
कि कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है, तो आपको लिखना चाहिए कि कवि युवकों को सिंह के समान लड़ने वाले साहसी बहादुर बनना चाहिए। और यह भी है कि अवसर आने पर देश के विरोधियों को दुश्मनों को डट करके सामना करके आगे बढ़ने वाले बनना चाहिए। और अगर समय आए तो हमें अपने देश के लिए हंस करके अपना प्राण न्यौछावर करना है कि जो है यहाँ पर कवि युवकों को प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे भाव होने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हंसते मौत मसल का आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आशय है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो भारतीय युवक हैं इतने वीर और इतने पराक्रमी होने चाहिए कि अवसर आने पर वे जो है अपने देश के लिए हंसते हुए मृत्यु को गले लगा लें और उस गले लगा करके अपने देश का पताका आकाश में फहराएं। तो इस प्रकार से जो है आप इसका अर्थ लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो कवि को देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे जो भी करें किसके लिए करें, देश के हित में करें। जो भी वे कार्य कर रहे हैं तो किसके लिए करें, वो देश के लिए करें। और अपना सारा जीवन किस पे लगा दें, देश पर समर्पित करें। अगर यदि मौत भी आए तो वो हंस करके मौत को भी अपने गले लगा रहे और अपने तन और मन से हर क्षण भारत को महिमावान बनाने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार से जो है कवि ने देशवासी से अपेक्षाएं की है। आप आंसर ऐसे लिखिएगा। उसके बाद में है, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं। तो देश की अखंडता और एकता के लिए कवि ने जो निम्न विशेषताएं दी हैं कि सभी देशवासियों को एक ही देश की भावना होनी चाहिए। मतलब जितने भी हम भारतवासी हैं सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। सभी की जो है वेशभूषा पहनावा कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और सभी का लक्ष्य भी एक होना चाहिए। सभी के मन में अपने देश के प्रति गौरव का ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है देश ने एकता और अखंडता को बनाने के लिए सूत्र बताए हैं कि हमारे जितने भी उद्देश्य हैं पर्वत के समान हम ऊंचे उठें। तो इस प्रकार से जो है आप आंसर लिख सकते हो।